हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री और चैप्टर नेम है केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 4 है ये फिजिकल केमिस्ट्री का। और मैं इसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस 2-3 टाइम्स रिपीट भी हो चुके हैं। तो यही मैं आपके सामने शेयर करने के लिए लाया हूँ। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जनरली बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इनके यहाँ पे दो डेफिनेशन है। पहला है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी का भी कंसंट्रेशन अगर चेंज होता है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। दूसरा भी सेम है, डिफाइन ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होते हैं उनकी जो पावर होते हैं, जब पावर को प्लस करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो। जो उनका पावर होता है उन्हें प्लस कर दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं ये बताना है। तो इसमें क्या है, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो चाहिए एक्टिवेट करने के लिए, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये रही फुल डेफिनेशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपने नोटबुक में लिखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट फोर्थ इसमें है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। तो ये एमोनिया का इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, इसमें कहा है आपको रेट एक्सप्रेस करना है रेट को। तो रेट को हम एक्सप्रेस कुछ ऐसे ही करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पे माइनस आप देख रहे हैं साइन। ठीक है, रिएक्टेंट में माइनस होता है और प्रोडक्ट में प्लस होता है, और यहाँ पे जितने मोल होंगे वो नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1/2, यहाँ 3 है हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे 1/3 माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, फिर कहा है इसका ऑर्डर बताओ। तो देखिए इसका जो यूनिट होता है ना, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है, हम उसका ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस माइनस वन है, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, वरना आपको दोबारा एक बार चेक करनी पड़ेगी बुक के। यहाँ पे 2-3 फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का इसमें 3 ही पूछे जाते हैं। तो ये एस माइनस जो है वो किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफाइन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो ये वही बात हो गई, वही सेम क्वेश्चन है इसमें, और ये 2016 में भी आ चुका है। तो अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी का भी कंसंट्रेशन अगर चेंज होता है टाइम के हिसाब से, तो उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे।
सेवेंथ डिफाइंड रेट कांस्टेंट, यहां पे पूछा है रेट कांस्टेंट को आप डिफाइन कीजिए। जब हम इसका डेफिनेशन जो है वो यहां से होगा, रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन इज यूनिटी। बस छोटा सा डेफिनेशन है, लेकिन इसमें क्या होता है छोटे छोटे डेफिनेशन ऐसे छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए लर्न करके रखना चाहिए। एट क्वेश्चन, यहाँ पे अ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसमें पहले दे दिया क्वेश्चन में जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर का है रिएक्टेंट के हिसाब से। तो पूछा है हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर डबल हो जाता है तब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है, पहले कह दिया यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, तो के कांस्टेंट हो गया, के ए और टू पावर टू है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए टू जो है वो सेकेंड ऑर्डर को डिनोट करता है, तो ये के ए स्क्वायर हो गया अगर हम ए कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं रिएक्टेंट का। तो फिर सेकेंड में कहा है अगर ये हाफ हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हाफ हो गया तो ठीक है, तो ए क्या होगा यहाँ पे जो ये जो बेसिक जो ये था ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला था रेट निकालने का। ठीक है, तो फर्स्ट का देखें जो डबल जो था हमारा, तो यहाँ 2a लिखा के 2a स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू हमारा 2a है तो ये 4k स्क्वायर, मतलब अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा 4 टाइम्स होगा, और वही हम उसका हाफ कर दें ये रिड्यूस हाफ तो ये 1/4 आएगा। बस ये जो हमारा इक्वेशन है के ए स्क्वायर, इस पर आपको वैल्यू पुट करनी है, डबल है तो 2a कर देना है और हाफ है तो 1/2 कर देना है। ऐसे क्वेश्चन आपको हाफ के जगह पे 1/3 करके रेशियो ऐसे दिया जा सकता है क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें एलिमेंट्री स्टेप बताना है जो रिएक्शन में होती है। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है, वो एक ही बार होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में होगा तो वो 2HI फॉर्म करेंगे ऐसे, तो ये एक ही बार में हो गया वन स्टेप में। सेकेंड है रेट ऑफ अ रिएक्शन, फिर वही है, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल और ये कुछ डेफिनेशन है जिसे आपको प्रैक्टिस करनी है। टेंथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें जो इसका यूनिट दे रखा है इसमें ऑर्डर निकालना है कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमने रेट लॉ और रेट कांस्टेंट तो हमने पहले कर लिया है और ये उसकी डेफिनेशन है। जो रेट ऑफ अ रिएक्शन होती है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और रेट को हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वही रेट लॉ का डेफिनेशन ये है हमारा। ठीक है, और जो हमें यूनिट दिए होते अभी दिए थे ये और एक ये दोनों जो यूनिट दिए थे वो जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का था क्योंकि अभी हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है S-1 होता है सिर्फ, और ये जीरो ऑर्डर के लिए है और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉरी सेकेंड ऑर्डर के लिए। इलेवेंथ के यहाँ पे देखें तो है अ रिएक्शन इज
ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसमें भी क्या है रिएक्शन जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर का है, तो जो ये रिएक्शन है रिएक्टेंट का, ये कैसे अफेक्ट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, वही बिल्कुल जब ये हमने किया था वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्वेश्चन पूछा अलग अलग तरीके से गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से ये पूछा गया है। अभी अभी जस्ट हमने यही सेम क्वेश्चन किया था, आर के जगह पे वहाँ पे ए हमने यूज़ किया। तो इसमें क्या होता है, बोर्ड के पेपर में यही होती है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ट्वेल्थ का क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा ट्वेल्थ है। वन मिनट, चलिए। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है ए प्लस बी, वो पी बनाता है मतलब कोई प्रोडक्ट बनाता है, और उसका रेट कुछ ये है, ठीक है। अब पूछा है ये पहला है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तब क्या होगा। अभी हमने बात किया था डेफिनेशन में कि जो इनकी पावर होती है उन्हें प्लस किया जाता है, एक में 1/2 है ए में और बी में 2 है, तो देखिए इसमें प्लस किया गया है तो ये 5/2 आया है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, हमें हाफ लाइफ बताना है रिएक्शन का। तो चलिए फॉर्मूले के से हम करेंगे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये होता है 0.693/k, और k की जगह पे जो अभी हमें वैल्यू मिली है उसे पुट करना है, फिर बाद में कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे सेकंड में यू लिखना है, क्योंकि जो हम टाइम निकाल रहे हैं हाफ लाइफ निकाल रहे हैं उसकी। थर्टींथ क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में आ चुका है, और मैथमेटिकली हम उसे ऐसे करेंगे। तो ये हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, 99% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसी के बराबर दूसरा है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 90% कंप्लीट कर चुका है दूसरा रिएक्शन। तो हम ऐसे दोनों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू करके हमें रेशियो निकालना है उसका, ठीक है, हमें दिखाना है, शो करना है यहाँ पे। तो ये कुछ हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा है, नहीं, ये उसका आंसर नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, 14th क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ अ रिएक्शन, डायग्राम के थ्रू हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये, और जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ की इनकी जो डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक की उसकी है लाइन खींची हुई है, वो क्या है, एक्टिवेटेड एनर्जी है, ठीक है। और नीचे वाला जो रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व है उसका है, और ये प्रोडक्ट का। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ में हमें पोटेंशियल एनर्जी शो किया है, और यहाँ पे रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, लूज हो जाता है, फिर टूटता है, फिर नया बॉन्ड बनता है, तो उसी बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है,
जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। फिर से वो टूट के नया प्रोडक्ट बनाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और एक हमारा एक क्वेश्चन और है। फर्स्ट ऑर्डर का ही है, 50% कंप्लीट हो चुका है 20 मिनट में, टाइम भी दे रखा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट टेक, ठीक है, 15% अगर 20 मिनट में हो गया तो 60% कितने मिनट में होगा, तो ये हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हेल्प से। तो ये है आपके सामने ये पूरी कैलकुलेशन, और इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले ये 20 मिनट का दिया है, फिर बाद में 60% का निकालते हुए यहाँ पे यूज़ किया है। लॉग वगैरह के भी फॉर्मूले हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट, ये आप देख लीजिएगा। 15th है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है इसका एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, तो ये वही है थोड़ी देर पहले। तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, थ्रेशहोल्ड की वैल्यू जो होती है, उनकी थ्रेशहोल्ड की एनर्जी की वैल्यू उसके बराबर हो जाती है, तो उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जितना ज़्यादा अगर अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम है, ठीक है, तो रिएक्शन बहुत ही जल्दी होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगा। चलिए बी, इट इज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, हर 10 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है क्या डबल हो रहा है, रेट जो हो रहा है उसका डबल हो रहा है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, इफ़ द जनरलाइजेशन होल्ड्स गुड फॉर द रिएक्शन इन द टेम्परेचर रेंज, ये हमारी टेम्परेचर दे रखा है, तो इसमें पूछा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा एक एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्मूला है, जिसमें बिल्कुल जितनी वैल्यू दी है सारे इसमें पुट करने हैं। लॉग K2/K1 इक्वल EA, यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी है, 2.303 R, और ये टेम्परेचर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो इसी पे जो हमें वैल्यू दिया है उस पे पुट करके आंसर निकालना है। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।